हेलो एवरीवन, प्रणाम। कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू की जोड़ी व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़े मज़ेदार, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मेरे बेटू, मेरा प्यारा, मेरा छोटा, मेरा बबूनी का आज अन्नप्राशन है। और हमारा बबूनी फिफ्थ मंथ कंप्लीट कर चुका है, वो सिक्स मंथ्स पे लग चुका है। तो सिक्स मंथ्स में हम क्या करते हैं, अन्न चखाते हैं बच्चों को। तो ये और हमने बहुत सी तैयारियां कर ली हैं, पर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, पर मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या तैयारी कर ली है। अभी मैंने प्रात में आटा, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, कसूरी मेथी, ये सब डाल के अभी सामने रखा हुआ है, पानी में थोड़ा गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है ठंड का मौसम है, तो ठंडे पानी से तो आटा का डो बनाना बड़ा मतलब एक दिक्कतदाई वाली चीज है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा गर्म कर देती हूँ पानी, तब मैं उसके लिए पूरियों के लिए आटा गूंदूंगी। दूसरा राजमा रख चुके हैं हम, उस पर सीटी लग चुकी है। दूसरा हमने चावल भी भिगाए हैं खीर के लिए। तो ये छोटी मोटी प्रिपरेशन है जो हम कर रहे हैं। आप प्लीज ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी ठंडी कैसे जा रही है, क्योंकि आज का दिन है 14th of January, हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। तो आज के दिन हम अपने बच्चे का अन्नप्राशन कर रहे हैं। सो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ हमारी वीडियो जा रही है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें और कुछ ना कुछ हमें बताते रहें, और कमेंट में बताएं कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ नहीं, बस अब मैं आटा गूंदूंगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक आप बने रहिए इस व्लॉग में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। अभी बुआ आने वाली हैं, आपको हम सब एक छोटी सी छोटी चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि मोनिका ने बताया होगा आपको, जो कि यहाँ पर काम कर रही है, आज हमारे छोटे बच्चे का अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि उसमें जो है बच्चे को सिक्स मंथ का जब कंप्लीट हो जाता है, या सिक्स मंथ में जब रनिंग होता है वो, तो उस समय पे हम उसको अन्न खिलाते हैं। अन्न मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, पर थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं कि हाँ टेस्ट करवा देते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर खा सकता है कोई भी चीज़। तो उसकी जो छोटी माँ है, जिसका नाम मोनिका है, वह सारी की सारी तैयारियाँ कर रही है। उसने सारी चीज़ें बना दी हैं, और क्या क्या बन रहा है वो चीज़ भी मैं बता देती हूँ। हमारे घर में बन रहा है, जब हम उसका टेस्ट करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या। वैसे मैंने बता तो दिया है। अच्छा, बता दिया है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। और मैं यहाँ पे बस खड़े होके देख रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं लहसुन को पील कर रही हूँ, बता देते ना, हमारी फैमिली है। सही बात है। यहाँ पे घी रखा हुआ है, यहाँ पे अभी राजमा के लिए अभी मैंने पतीला रख दिया है, यहाँ पे आलू के गुटके भी बन रहे, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी कि हमें आलू के गुटके भी बनाए। हाँ, मोनिका को याद आया कि आज आलू के गुटके नहीं बने हैं, तो फिर वो आलू रखे नहीं है हमने। और आलू के गुटके जो है, ऐसा है कि सबको ही पसंद होते हैं हमारे फैमिली में, कि आलू के गुटके बनने ही चाहिए। अब सबका गला खराब है, विदुल की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, विदुल को भी कफ कोल्ड सब चीज़ हो रखा है, बोला नहीं जा रहा है उससे, काफ़ी ज़्यादा हो रखा है उसको। और आज के टाइम पे ऐसा हुआ तो बहुत गंदा लग रहा है, पर क्या करें, अन्नप्राशन है तो करवाना ही है। और अन्नप्राशन जो होता है बुआओं के हाथ से होता है। तो अभी हमारे घर में, जैसे कि हमारे हस्बैंड की भी कोई बहन नहीं है, विदुल और जो सिदुल है, उसको हम प्यार से सिदुल कहते हैं, उनकी भी कोई बहन नहीं है। तो हमने जो, हमारी जो बुआ है, जो उनकी बहनें हैं, जो बुआ हैं, वो है वंदना दी और गुल्लू। वो कौन है वो जब आएंगी तब हम आपको बताएंगे। वैसे तो काफ़ी बार हमने बताया होगा अगर, लेकिन नहीं भी बताया तो आज पता चल जाएगा। और तब तक देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या मैं कर सकती हूँ। मैं अभी आ गई, अब एंट्री ले लिया मैंने, पर फिर भी अभी मेरे हाथ में कोई भी काम नहीं चढ़ाई कि जिसको मैं कर रही हूँ, वो सारा काम मोनिका कर रही है, क्योंकि वो इसकी बबुनी है। इसने हमें पहले ही कह दिया था हेल्प करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ दो चीजें करी थी, एक दाल भिगाई थी और एक चावल भिगाया था। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, बस मैं नहाई हूँ और कुछ नहीं। मोनिका सुबह से आके सारा काम करी। और दूसरी बात, उसकी बबुनी है, इसने मुझे बोला था, इसने मुझे बोला था कि जब भी अन्नप्राशन होगा तो मैं ही सारा काम करूंगी, मैं ही अपनी बबुनी के लिए खाना बनाऊंगी। तो ये वो खाना बना रही है, देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा बनी। और अब जो है बच्चों की बुआ आ चुकी है, हमारा भी सारा काम हो चुका है, अब हम आपको बुआ से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। अभी फिलहाल एक ही बुआ बैठी है, दूसरी बुआ जो है अभी आएंगी तैयार होकर, जो छोटी बुआ है, बड़ी बुआ से मिलवाते हैं आपको। ये है हमारी आंटी जी जो मूंगफली खा रही है। ये आंटी जी है। आंटी जी हेलो बोल दो सबको, हमारी हेल्पर। ये उनकी चाय है, और ये है जिसका अन्नप्राशन है, और ये इसकी बुआ है। दीदी कुछ बोलता तो हाय हेलो हेलो। ये दादी माँ है, विदुल की तबीयत खराब हो रखी है, विदुल सो रखा है।
विदु हाय बोल दो बेटा। नहीं अभी वो कुछ नहीं बोले, हाय कर दो। हाय विदु, हाय बोलो। हाय हाय हाय, दिख रहा वो, ये पापा जी, इसको इसको दिखा रही है। ये है जिसका अनुप्राशन है, इसे गौर से देखिए, इसको भूख लग गई होगी। अब हम इसको खीर खिलाएंगे, बहुत सारी चीजें खिलाएंगे, कुछ और स्पेशल। और ये देखिए हमारी खीर बन चुकी है। और ये हमारे राजमा, सो डिलीशियस। वो तो मैं डिलीशियस बोल रही हूँ, पर मुझे नहीं पता डिलीशियस बना है नहीं बना है, क्योंकि हमने टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रखा है, मीठा ना कुछ। और ये सबके मन पसंद आलू के गुटके। पापा कहते हैं कि बेटा ये चटपटा होना बहुत जरूरी है, तो मैंने चटपटा बनाया, होप ज्यादा मिर्ची ना लगे। और अभी हमारा दूध का पतीला खत्म हो रखा है, तो एक ये पैकेट है, अभी इसको मैं बॉइल करूंगी। बाकी दी और ये धूप, बाकी दी अब पूजा करना स्टार्ट करने वाली है। बुआ आएंगी, अब हमारी बबुन्नी को टीका लगाएंगी। और ये हमारा सुंदर सा मंदिर, और ये देखिए भगवान जी को हमने भोग लगा दिया था। और ये कल की रोटी है भगवान जी की, और ये कल के लोहड़ी थी कल, तो उनके लिए हमने पॉपकॉर्न ये सब रखा था। सब ने तिल पट्टी सब चीज़ खा लिया, बस पॉपकॉर्न छोड़ दिया भगवान जी के लिए। सो अभी यही तैयारी चल रही है, ये रहा सब कुछ। और ये री दी दिया जला रही हूँ, थोड़ी सी धूप जलाएंगे, उसके बाद जो है वो हमने तो वैसे मम्मी ने हमको टीके तो लगा दिए थे, पर बुआ की बारी है उसको टीका लगाने की, मतलब जिसका अनुप्राशन है छोटे। तो मैं जरा बत्ती बना लेती हूँ। और कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जब बच्चे खाने के लिए हो जाते हैं बड़े तो काफी अच्छा लगता है, हम उनके लिए कुछ भी चीज बना सकते हैं, जो भी वो खाना। वैसे अभी इतना तो है नहीं कि वो मुझे बोले कि मैं मुझे खाना खाना, पर हाँ ये है कि मैं फिट करता था, तो अब मुझे जो है फिट कम करवाना पड़ेगा। और उसको थोड़ी जैसे खीर हो गई, दलिया हो गई, ये सारी चीजें जो है छोटी मोटी चीजें वो दे, उससे उसका पेट भर जाएगा। जैसे सेरेलैक हो गया, आप सबको पता है कि 6 मंथ के बेबी को सेरेलैक देते हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि खाने वाला हो गया, मतलब अब उसके मुंह में हम अन्न डाल सकते हैं। एक्चुअली क्या था ना, जब हम बैठ के खाते थे ना कुछ, तो वो ऐसे देखता था, ये तो आप पूछ के ही लाए होंगे ना डॉक्टर से, ऐसे देखता था वो, तो हमारा मन करता था कब बड़ा होगा, 6 महीने का होगा कि हम उसको खिला सके। ये दी दिए में डाल रही है तेल, तेल हमारा डल चुका है, और उसके साथ हम रखेंगे टीका सर में लगाने के लिए बच्चे के, सर पे नहीं माथे पे, माथे पे लगाने। क्या करें अभी हम बिगनर्स है ना, तो हो ही जाता है। छोटे मोटे करके माफ कर दीजिएगा हमारी, इतने अभी हम वो नहीं है, क्या बोलते उसे, प्रो नहीं है अभी, हम एक्सपर्ट नहीं है, तो धीरे धीरे करके हो जाएंगे, जो कि मेरे से खुल नहीं रहा है क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है। हाँ जी, ये देखो मम्मी चिल्ला रही है खाना धर दो, क्यों? क्योंकि मम्मी को भूख लग चुकी है, आज हमने किसी ने भी कुछ नहीं खाया है, बनाने में लगे, कुछ नहीं खाया। नहीं आंटी, आज कुछ पहले आप हमारा, हाँ पहले हम उसे खिलाएंगे फिर खाएंगे, तो इसीलिए आज ये चीज हो गई। चलो भाई ये तो हो गया तैयार टीका, ये वो क्या करना है मम्मी से जाके पूछती हूँ कि मम्मी क्या करना है, मेरे को इतना ही काम बोला था तो वो मैंने कर। और इसी उससे मैं धूप भी जला दूँ, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बिहार का, धूप हम बहुत कम जलाएंगे, कर देंगे तो हमारी हो गई धूप, जो कि हमने यहाँ पे टेक दिया है। यह हमारी सुंदर सी थाली तो नहीं कहेंगे, ट्रे बोल सकते हैं, तरीके से। अब हम जाते हैं अंदर, देखते क्या करना है। चलो अच्छा माँ, ये तो तैयार हो गया, अब वो करो क्या, सब सब खाने एक थाली। बुआ जी हाय बोलिए। हेलो, बुआ जी ने पहले भी बोल दिया था। हम हाय बुलवा रहे आज दी को, क्योंकि दी हाय के अलावा कुछ बोल ही नहीं दी। कहने का क्या, नाराज हो गई है दीदी, ये देखो मेरा बेटू बबूनी, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, और मम्मी आपको कैसा लग रहा है आप भी बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आज से जो हमारा एक अन्न खाने वाला और प्राणी हो जाएगा, आज से हम घर के अंदर 8 प्राणी हो जाएंगे अन्न खाने वाले, अभी हमारा ये दूध वाला प्राणी था,
अब हमारा अन्नू प्राणी हो गया ये अन्नू प्राणी। हाँ जी मैं खाऊंगा। खाएगा मेरा बेटू? कहाँ खाएगा? खाऊंगा ये दिख द पुतड़ी। ओ पुतड़ी दिख द पुतड़ी ओ नाच चपन। और पापा जी आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत जो है उसको जो है सप्लाई कर सकते हैं दादा खाना सबके हिस्से में से जरा जरा खा सकते हैं थोड़ा जो है और उन्हें देखा ना पापा शर्मा आते हैं। और ये देखिए आगे छोटी बुआ छोटी बुआ नहीं छोटी छोटी बुआ हाँ ये चाचा जी चश्मे वाले चाचा। और ये देखिए दीप पूरियां बेल रही हैं। अब टाइम आ चुका है छोटे को खिलाने का और मैंने ऑलरेडी पहले से ही बेल के रख दी थी ताकि क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं है अभी दो ही पूरी काफी है तो बस अब हम इसको सेकेंगे और हमारी फुली फुली पूरियां तैयार। हाँ एक और चीज जब पूरी फूलती नहीं है तो मुझे बड़ा गंदा लगता है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है और अगर फूल जाती है तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ जैसे कि पहली ही पूरी मेरी फूली मूड ऑफ हो गया मेरा बट कोई नहीं चलता है अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ फटाफट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबको भूख लग गई हमने सुबह से नाश्ता नहीं कर रखा था आज हम इसी चीज़ को बनाने में लगे थे मैं तो नहीं मतलब बनाने का कैसा लगता है बबुनी को छोटी माँ के हाथ का खाना ये बड़ा अच्छा लगा मुझे दही ज्यादा गर्म हो गया शायद कहते ना जल्दीबाजी का काम जो होता है ऐसा ही होता है तो अभी मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ ये जो है एक भी पूरी फुली नहीं है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ शायद ये फूल जाए शायद हाँ हो गया ये फूल चुकी है हमारी पूरियाँ और हमारी बुआ जी को भी भूख लग रही है सबको ही भूख लग रही है चूहे कूद रहे पेट पे पूरी क्या जो फूल है ना सही बोला ना मैंने कमेंट करके बताइएगा कैसी बनाते हैं आप पूरी फूलती है या नहीं फूलती। चलिए अब हम चलते हैं गैस ऑफ करके इसको रखते हैं हमने ऑलरेडी थाली तैयार कर दी थी ये देखिए मैं इसमें सुंदर सुंदर पूरियां रखूंगी जो फूली फूली वो नहीं रखूंगी ये हमने ऑलरेडी प्लेटिंग कर दी है राजमा खीर और आलू के गुटके और दो पूरियां थाली को लेके जा रहे हैं बबुनी के पास तो चलिए बुआ जी हैं यानी मेरा बेटू तो रोने लग गया वहाँ पे लेके बैठ जाओ ना सोफे पे हाँ सोफे पे है ना बाबूजी उसको अंदर गुन्नू और आप ना पकड़ लेना उसको ठीक ऐसे करो बीच में बैठ जाएंगे ना हाँ वही कहना ठीक दी इधर बैठ जाएगी गुन्नू उधर बैठ जाएगी ना देखो ऐसे देख रहे हैं हमारे घर में जैसे कि पता नहीं बताता नीचे ना खाना खिलाएंगे बाबू को ये रोने लग गया ये देखो ये देखो मैं बता रही थी ना आपको कैसे करता खाने को देखे देखो शांत हो गया गुन्नू यहाँ पे बैठो इसको रहने दो देखो 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 कहाँ है ये चेक करना पड़ेगा गरम तो चुंगी से चल लो ना ये तो बुआ खिलाओ लो बुआ खिलाओ और बाकी सब टीचिंग अच्छा लगा भाई हाँ खाएगा वो खाएगा खाने वाला नहीं आया वो खाएगा खा लिया वो खा लेगा कैसे खा रहे हैं आ जाओ ना फिर ये पूरी की बारी
खाओ खाओ मिर्ची भी खा ले बेटा, निकलेगा अच्छा लगा, अच्छा लगा इसे लुणिया लगाना जरूरी है, दाल लगाना चाहिए चम्मच पर है दाल, हाँ गुनू तू भी खिलाना पीछे से, ये तो खिला दिया अभी पूरी खिला दी सारा नमकी मजा आ रहा है उसको, मजा आ रहा है थोड़ा खा ना, खाओ 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 अच्छा नहीं लगा आपको, कितना अच्छा है वाओ मिर्च मिर्च लग रही है मिर्च लग रही है मिर्च क्या पूजा की अच्छा पूजा करेंगे पूजा, जो खाना खिला के आप पूजा होगी पूजा, पहले हमने खाना खिला दिया था सॉरी हम भूल गए थे, अब टीका लगाएंगे आज तो इधर जी हाँ। क्या करना बस अब ऐसे आज बता रहे जय हो किसी खाना खा लिया लाइट का खीन की पहली अरे भूल गए हम खाना लेके आए थे, चलो चलो खिलाओ खिलाओ एक्साइटमेंट आप खिला दो ना, खाला खिला तूने बनाया भाई ले तेरी बुकनी है तू खिलाया ना भाई, कोई नहीं आप खिला लो, आप खिला लो बिद्दू का छोटा भाई इसका नाम आधवन है, आधवन वायु है प्रदूषण नहीं रखा वायु की जय हो, चल ले मोनिका ला अरे आप कर लो ना कोई बात नहीं लेना पकड़ ना हेलो हेलो ये भी हेलो करना चाह रहे हैं हमारे चैनल को बढ़ जाएंगे, हाँ नमस्ते अच्छा चलो देखते हैं फिर बढ़ा देना अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक लाइक शेयर कमेंट जरूर बीटू को लाओ अच्छा इनको खिलाने दे इसको ये दे दो अभी ने खिलाया ना खिला रही हूँ मेरी बबूजी का खाएगी वाओ चाची के हाथ छोटी माँ के हाथों से खीर खाओ खाओ वाओ वो सारा मिक्स हो रहा है उसके अंदर ना ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं खिला रहे हो पहले मीठा खिला रहे हो, अब बारी है दादी की ये कुछ नहीं हुआ मम्मी बेटी को, चलो अब दादी की बारी है खिलाने की, दादी दादू साथ ही खिला देंगे ऊपर बैठ जाओ आंटी आ जाओ इधर आ जाओ आओ जी आओ क्या खाइए आपने बाबू जी आप भी चले जाओ ना आई खिला देना मैं फुफड़ी ने कहा खाई कहा खाई कहा खाई कहा खाई मैं गिर गई मिर्ची लगी हुई ने कहा खाया कहा खाया रे चुप करा वो था ले ले ओली बिजलो कुछ बातें चल रही है चलो भैया तो अब डर गया खाए ना खाना
पकड़ और काट जावा देखा उसने खाना खा लिया है, जैसे तैसे करके हमने खिला ही दिया है। पता नहीं मिर्ची है नहीं है ये हमें नहीं पता चलेगा, पर रोने से पता चल रहा है कि हाँ मिर्ची तो होगी, अब छोटी मम्मी की पिटाई पड़ेगी। और हाँ एक चीज और, हमने बुआ के लिए, दोनों बुआओं के लिए गिफ्ट लिए थे, वो देने की बारी अब आ चुकी है, तो आप हमारे साथ बनी रहिए और देखिएगा कि क्या गिफ्ट दिया है हमने। अब हमारे गिफ्ट रेडी हैं जो हमने बुआ के लिए लिए थे, बड़ी बुआ छोटी बुआ एमजी गर्ल, उन्हीं के हिसाब से लिए हमने उनकी जरूरतों को देखते हुए। तो ये सबसे पहले जाता है बड़ी बुआ को। क्या बात है। और ये है हमारी छोटी बुआ गुन्नू जो कि सारा दिन इसके साथ रहती है। वाओ ये क्यों लेके आए तू, ये मुझे चाहिए था, ये सही बोला कि ये मुझे चाहिए था। और वहाँ देखो उधर भी जरा जूम करके ये देखिए, सुबह से पेट में हल्का हो गया था, बहुत अच्छा था। हमने ये अपने छोटे के लिए चांदी की कटोरी रखी हुई है, एक चम्मच, इसको खाना इतना स्वादिष्ट हो रहा है कि यूं उंगली से चाटने का मन भी कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में जो है। शुगर की मरीज हूँ मैं, इसलिए मैं मीठी खीर खा रही हूँ, और इससे शुगर बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इससे शुगर क्या बिल्कुल ऐसा हो रहा है, शुगर इससे ऐसा हो रहा है। और मेरे पे यूरिक एसिड है, मैंने जो है राजमा नहीं खानी, इसलिए राजमा की दाल जरा से मेहमान आ रखे हैं। ये जो है ये इसका चाचा है, इसका नाम है काव्यांश। अच्छा सॉरी वैसे मिस्टेक होगी, राव्यांश नाम है इसका। राव्यांश शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा ये भी हमारी तरह निकल। और ये हमारा पंचू है, चाचा है, ये हमारी छोटी बुआ है और बड़ी बुआ से आप। अरे वो जय कर रहा था। अच्छा जय, अरे इसका जय भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी। चलो अनबॉक्सिंग यहीं पर होगी और लाइव होगी। चलिए जैसे कि दी जॉब जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पर्स, जिसमें सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती है। पूछेंगे कैसे लगा दी आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप गुल्लू करें। ओके, गुल्लू के लिए सस्पेंस है, एक पेन है उसके अंदर। हाँ अभी वो पढ़ाई करती है तो उसके लिए पेन ही है। तीन चार पेन दे दिए मैंने गुल्लू को। कुछ और है गुल्लू? अबे कुछ तो नहीं था, कुछ तो है भाई। ब्रेसलेट, पहले अनबॉक्स तो करने दो। अबे खाली रखा हुआ क्या? नहीं खाली तो नहीं है, पता नहीं गुन्नू को पसंद आए ना आए, पर अभी वो पढ़ाई करती है तो उसके लिए मुझे कुछ नया दो, सूझा मुझे कि कुछ अलग दो। वॉच, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है और मुझे चाहिए भी था। सबसे फिर तो सही है, मतलब हमने अच्छी चीजें दी है और उसको पसंद भी आई है। ऐसे करके दिखाओ उधर, अब दिखाते कि गुन्नू के हाथ में आती है नहीं आती है। ये भी आ जाएगी ऐसी, मैं देखती हूँ। आई थिंक आ जानी चाहिए गुन्नू के हाथ में, चलो हम ही बना देते हैं। ये है ब्रेसलेट, ये है ब्रेसलेट, बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है। अरे ये गुन्नू के गले का हार बना, गुल्लू हार तो नहीं बनेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। इसको ये छोटा भी कर सकती है तू, अगर ये लूज लग रहा है ना तो इस पे बांध दियो, या इस पे आगे वाले पे बांध दियो। उन्होंने टेंशन के साथ था। हां इसके साथ मिल रहा है, डेढ़ बजने। अच्छा इसके साथ है ये, बहुत प्यारा है। हाँ टाइम सेट है। अब ब्रेसलेट भी देख लेते हैं गुन्नू का। ये तो खुला ही है। अब जब जाओगे ना कहीं तो ये दोनों पहन के जाना, दोनों में एक तरफ ऐसे करना
और एक तरफ फाइनली बहुत प्यारे गिफ्ट है दोनों ही, कितने प्यारे होने के फायदे हो गए भाई। और चाचा वैसे देख रहे हैं, दूसरा चाचा के चाचाओं को कुछ नहीं मिला अगली बार से बुआ दूसरा चाचा इधर ये पैकिंग रखनी है ना, फिर बुआ की काम तो आएगी इसमें रखने के लिए, हमारी संभालने की जिम्मेदारी। तो सारी चीजें हो चुकी हैं, गिफ्ट भी बहुत अच्छे से पसंद आए हैं, पर अब जो है हम बनाने जा रहे हैं खाना, मतलब पूरी बनाने जा रही हूँ क्योंकि सबने खाया नहीं था, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, तो अब उसी की ही तैयारी हो रही है, तो अब मैं तो जा रही हूँ पूरी बनाने के लिए। तो अब हम करते हैं व्लॉग का एंड, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करें, और ये हमारे चाहने वाले सब आपको बाय कर रहे हैं, तो बस अभी ही आपको करें को नमस्कार और प्रणाम, अगर मैंने नहीं कहा होगा तो दोबारा कह देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में आई थी। और यही हमारा व्लॉग था, अच्छा लगे आपको तो प्यार दीजिएगा हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी बबूनी को भी आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।